लोक निर्माण विभाग अपने क्रियाकलापों के लिए चर्चित विभाग है, जहां भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इन जड़ों को उखाड़कर फेंकना असंभव लगता है। जहां घटिया निर्माण कर ठेकेदार अधिकारी अपनी तिजोरी भर रहे हैं, वहीं श्रमिकों का शोषण भी हो रहा है। ताजा मामला उस समय सामने आया जब कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे आधा सैकड़ा से अधिक श्रमिकों ने ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए पैसा दिलाने की मांग की है। दरअसल लोक निर्माण विभाग के द्वारा मूक बधिर छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है, जहां ठेकेदार सलीम को कार्य मिला है। उक्त ठेकेदार पेटी कॉन्ट्रैक्ट में अनिसुर रहमान निवासी वार्ड क्रमांक 33 को काम दिया है। उक्त पेटी ठेकेदार के द्वारा लगातार कार्य कराया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार के द्वारा पूरे पैसों का हिसाब नहीं किया जा रहा, जिसके चलते श्रमिकों को एक एक दाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ठेकेदार ने बताया कि पहले कुछ पैसे दिए जाते रहे, लेकिन जब हिसाब हुआ तो आधा पैसे का भुगतान किया गया, जिसके चलते अब श्रमिकों की मजदूरी नहीं मिल पा रही है। आइए सुनाते हैं पेटी ठेकेदार ने क्या मांग की है। हम दादा परेशानी में हैं। हम विगत 29/4/2021 में बिछिया होम कमांडेंट स्थित PWD छात्रावास का निर्माण के लिए हमको मोहम्मद सलीम ठेकेदार द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट में काम दिया गया था। इस कार्य को करने के लिए हमने विगत 1/5/2021 में शुरू किए हैं। उस काम को चलते हमारा लेबर का उधारी रहा, हर समय लेबर का पैसा मांगने जाओ हमको धमकी देते जाए। इस दौरान हमने बिछिया थाना SI नामदेव सिंह को दो एक बार इत्तला भी किए हैं, जिसका चलते उन लोग बोला छत ढलाई हो जाए रहमान भाई, आपको हम पेमेंट करते हैं। इस दौरान एक आठ 2022 को लगभग हमारे कार्यों में 70% काम हो गया, जिसका चलते हमने पेमेंट मांगने किया तो हमको उल्टा धमका रहा है, जान से मारने का धमकी दे रहा है। कहाँ रहता है ये ठेकेदार का बड़ा वाला लड़का? हमको जान से मारने का धमकी दे रहा है। क्या नाम है? मोहम्मद नासिर उर्फ लट्टू। हमारा करीब करीब लेबर पेमेंट 6 लाख रुपया है। इस दौरान ना हमको साइड में जाने देता है, ना हमारा सामान निकालने देता है। साइड में जितना सामान रहा वो सामान भी हमारा चोरी होते जा रहा है। हमने ये इसका शिकायत हमने बिछिया थाना में देने किया है। हमको ऐसे पावती भर दे देता है, अरे आप शाम को आओ। अभी कलेक्टर आपके पास है तो यहाँ मुलाकात हुई? कलेक्टर को भी हमने ज्ञापन दिया था 19 तारीख को, SP को दिया, IG को दिया, हर जगह दर दर भटक रहे हैं। हमारा को पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, हमको भटका जा रहा है, ऊपर से हमको दबाव दे रहा है तुम यहाँ से भागो छोड़ के, नहीं तो तुमको बांग्लादेशी बोल के हीरोइन और कोरेक्स से केस लगा के फंसवा देंगे। इसमें हम लोग करीब करीब 50 आदमी है, महिलाएं है, महिलाएं है इसमें। सबका पैसा किसी का 2 महीना का, किसी का 3 महीना का फंसा हुआ है। इसका ये लोग को हमने पेमेंट नहीं कर पा रहा है, खर्ची दे के रखे हैं ये लोग। हमारा दीर्घ 15 सालों से काम कर रहा था, इस दौरान हमारी बात को ये लोग विश्वास मान के उधारी में काम किया है। जो छत ढलाई हो जाएगा, हम भी आश्वासन दिए हैं छत ढलाई हो जाए आपका पेमेंट किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिसुर रहमान।